हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त चित्रा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। अब जहां सारे देश से लेकर बी टाउन में जिस बात के हो रहे थे चर्चे, वो थे दीपवीर की शाही शादी के। अब जहां हर किसी को इंतजार था शादी के बाद इनके रिसेप्शन का, और सबसे ज्यादा इंतजार था कि दीपिका को फिर से दुल्हन बने देखने का, वहीं अब हो चुका है फैंस का सारा इंतजार खत्म। क्योंकि आज इस खास रिपोर्ट के जरिए हम दीपिका रणवीर के लुक से लेकर उनकी साड़ी, तो साथ ही साथ शादी के बाद किस तरह से पति के गुलाम बनते नजर आए हैं रणवीर सिंह, ये सभी तमाम तरह की बातें आपको बताएंगे। अगर देखा जाए तो जब से दीपवीर ने शादी की है तभी से ये शाही कपल चर्चाओं में बना हुआ है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला है इनका रिसेप्शन। अब जहां बीते ही दिन बेंगलोर में दीपिका रणवीर ने दिया रिसेप्शन, तो इस दौरान गोल्डन कलर की साड़ी में दीपिका ने खूबसूरती का जोरदार तड़का लगाया। वहीं रणवीर सिंह भी ब्लैक कलर की खूबसूरत अटायर में नजर आए। वहीं आज इस खास प्रोग्राम के जरिए हम जानेंगे कि क्या कुछ कर चल रहा है बी टाउन में इन दोनों को लेकर, तो वहीं ये दोनों किस तरह से नजर आए हैं अपने रिसेप्शन पर। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। अब जहां दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने सात समुद्र पार जाकर एक दूसरे से शादी में जाए, इन दोनों को काफी ज्यादा पसंद किया गया। वहीं सब जानते हैं कि रणवीर सिंह दीपिका से बेहद प्यार करते हैं। अक्सर ही बॉलीवुड गलियारों में इनके प्यार की बातें होती रहती है कि वाकई रणवीर सिंह जो दीपिका को बेहद चाहते हैं। शादी से पहले इनके चेहरे पर वो खुशी देखी गई थी कि वाकई वो दीपिका को हमेशा हमेशा के लिए पाने वाले हैं। वहीं बता दें कि शादी के बाद जैसे ही दोनों आए हैं मीडिया के सामने, रणवीर को देखा गया है दीपिका की बेहद केयर करते हुए। वहीं हाल ही में उनको एक बार फिर से शादी के बाद जोरों का गुलाम बनते देखा गया। दरअसल बता दें कि जहां ये डायलॉग है काफी फेमस, जहां अक्सर ही कहा जाता है कि शादी के बाद पति बीवी के पलों में छुप जाता है, वहीं कुछ ऐसा ही देखा गया है इस शाही कपल के बीच। बताना चाहेंगे आप सभी को कि दोनों के रिसेप्शन की वीडियो आ रही है सामने, जिसमें रणवीर सिंह दीपिका के पल्लू को संभालते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, इस दौरान जब दीपिका अपनी साड़ी से परेशान होती है तो रणवीर उनकी साड़ी को ठीक करने में उनकी मदद करते हैं। उनका ये क्यूट सा अंदाज काफी वायरल हो रहा है। साथ ही साथ इनके प्यार के चर्चे एक बार फिर से बॉलीवुड गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच शुरू हो चुकी हैं। वेल, तस्वीरों के जरिए आप भी देखिए कि किस तरह से रणवीर कर रही है प्यारी पत्नी दीपिका की साड़ी को ठीक। अब हाल ही में जहां दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के रिसेप्शन की वीडियोस आई सामने, तो फैंस उनके दीवाने ही हो चले। अब जहां रणवीर को देखा गया ब्लैक कलर की खूबसूरत अटायर में, तो वहीं दीपिका पादुकोण ने भी गोल्डन कलर की प्लेन लेकिन बेहद ही खूबसूरत साड़ी कैरी की। बता दें कि मांग में सिंदूर लगाई, गले में हैवी नेकलेस और हाथों में लाल चूड़े के साथ दीपिका ने इस बार फैंस का दिल जीत लिया। अब जहां पिछले कई दिनों से उनके फैंस इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब दीपिका नजर आएगी फिर से दुल्हन बने हुए, तो वहीं फैंस का इंतजार तब खत्म हुआ जब इनके रिसेप्शन की वीडियो सामने आई। वहीं बता दें कि जब मीडिया वाले दीपिका और रणवीर की तस्वीरें क्लिक करते हैं, इस बीच रणवीर पत्नी दीपिका के साथ बार बार गॉसिप्स करते हुए नजर आए हैं। दरअसल दोस्तों, दोनों का ये क्यूट सा अंदाज आया है सामने जब बार बार रणवीर दीपिका को फंसाने के लिए उनके कान में बार बार कोई ऐसी बात कह रहे थे कि दीपिका खिलखिलाकर उठ पड़ी थी। वहीं वीडियोस के जरिए आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों का ये खूबसूरत सा रिश्ता सामने आया है। अब जहां सारे देश को था इंतजार इटली में शादी रचाने के बाद, जब दीपवीर को किया गया एयरपोर्ट पर स्पॉट, तो फैंस उनके दीवाने ही हो चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ जब दोनों बेंगलोर के लिए रवाना हो रहे थे, उस समय भी दोनों को काफी ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन इन सब के बीच में जहां फैंस कर रहे थे इस बात का इंतजार कि दीपिका और रणवीर कब अपने शादी के रिसेप्शन में नजर आएंगे, तो वहीं अब फैंस का इंतजार हो चुका है। नई नवेली दुल्हन को जहां एक बार फिर से हर कोई देखना चाहता था, तो वहीं अब बीते ही दिन रिसेप्शन में जैसे ही दीपवीर को देखा तो हर कोई देखता रह गया। बता दें कि जैसे ही दोनों की वीडियो सामने आई, फैंस ने देखा कि हाथों में हाथ डाले शाही अंदाज में अपने रिसेप्शन में पहुंचते हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह।
12 वीडियोस के जरिए आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह से शाही अंदाज में नजर आ रहा है ये नया जोड़ा। इन दिनों एक बार फिर से दीपिका रणवीर ने सारी लाइमलाइट ली, जहां सात समुद्र पार इटली में इन दोनों ने रचा ली एक दूसरे से शादी। अब भले ही इनकी शादी की तस्वीरों को साथ के साथ ना देखा गया हो सोशल मीडिया पर, लेकिन दोनों ने अपनी शादी की हर रस्म की तस्वीरों को शेयर किया। बता दें कि इनकी तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई तो तहलका मच गया, क्योंकि हर कोई देखना चाहता था दीपिका रणवीर की खूबसूरत और शाही वेडिंग को, और इन दोनों की तस्वीरों को किया गया खूब पसंद। वही एक खास बात आप सभी को बताना चाहेंगे कि हाल ही में दोनों का रिसेप्शन जहां बेंगलोर में रखा गया, अब इनकी शादी के रिसेप्शन में जहां मीडिया को भी खास जगह मिली। अब जैसे ही ये दोनों अपनी रिसेप्शन पार्टी में मीडिया के सामने आते हैं, तो जब उनसे कहा जाता है कि वो सोलो पिक्चर दे, इस बात पर रणवीर सिंह ने रिएक्शन दिया। दरअसल बता दे कि जैसे ही उनसे कहा जाता है कि वो अकेले अकेले फोटोज दे, तो रणवीर सिंह अकेले फोटो क्लिक कराने से साफ साफ मना कर देते हैं। जी हाँ, और उसकी वजह बताई गई कि रणवीर ने कहा कि जब मियां बीवी साथ है तो फिर अकेले फोटो तो क्लिक कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर देखा जाए तो उनके रिसेप्शन की जो भी तस्वीरें सामने, दोनों हाथों में हाथ डाले एक दूसरे के साथ नजर आई हैं, यानी कोई भी फोटो नहीं है अकेले, दीपवीर एक दूसरे के साथ नजर आई हैं हर तस्वीर में। दीपिका रणवीर के शादी के रिसेप्शन को जहां हर कोई देखना चाहता था, सब जानते हैं कि शादी के बाद इन दोनों की शादी के दो या तीन रिसेप्शन होने वाले हैं। अब एक जहां दोनों ने बीते ही दिन बेंगलोर में अपने परिवार वालों के लिए, अपने कुछ करीबियों के लिए रिसेप्शन रखा, तो वहीं कहा जा रहा है कि 28 नवंबर को ये दोनों अपने बीटाउन फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। वहीं बता दें कि अब 28 के बाद कहा गया कि 1 दिसंबर को भी इनकी शादी का रिसेप्शन होने वाला है, जिसका कार्ड आ चुका है सामने। तो यहाँ दोस्तों बता दें कि दोनों ने बेंगलोर में जहाँ करीबियों को रिसेप्शन दिया, तो वहीं 1 दिसंबर को होने वाले इनके रिसेप्शन का ये कार्ड सामने आया है, जिसे शेयर किया है एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। इस कार्ड पर लिखा है, कृपया हमारी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए पधारे। रिसेप्शन ग्रैंड हयात मुंबई में 9 बजे से होगा, और इसका ड्रेस कोड ब्लैक टाई रखा गया है। अगर देखा जाए तो ना सिर्फ आम आदमी बल्कि बीटाउन के सितारे भी इनके रिसेप्शन का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अब हर किसी का इंतजार हो चुका है खत्म, क्योंकि जल्द ही ये दोनों एक बार फिर से नजर आने वाले हैं अपने शाही अंदाज में। हाल ही में 21 नवंबर को दीपिका रणवीर का ग्रैंड रिसेप्शन हुआ, और इस दौरान रणवीर दीपिका की जोड़ी देखते ही बन रही थी। जैसा कि अपने शाही रिसेप्शन के मौके पर दीपिका पादुकोण इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उनके पति रणवीर सिंह उन पर से नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। बता दें कि इस दौरान दोनों की जोड़ी पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी, तो वहीं रणवीर वाइफ दीपिका के साथ इस वक्त भी काफी रोमांटिक होते नजर आए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से रणवीर बार बार कोई बहाना करके दीपिका से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। रणवीर दीपिका के रोमांस का खुमार उतर ही नहीं रहा। वहीं इन दोनों का दूसरा रिसेप्शन पार्टी मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसकी डेट को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, पर कहा जा रहा है कि दूसरा रिसेप्शन 28 नवंबर को किया जाना है। वेल, अब किस दिन होगा ये भी जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल दीपिका रणवीर की ये रोमांटिक वीडियोस कई जगह वायरल हो रही हैं, और फैंस को इनकी ये खास वीडियो पसंद भी आ रही है। और आपको इन दोनों का रोमांटिक वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में कि दीपिका ने जहां पहनी गोल्डन कलर की खूबसूरत सी साड़ी, तो वहीं मांग में सिंदूर लगाए और हाथों में लाल चूड़ा पहने वो फिर से दुल्हन बनी नजर आई है। वहीं रणवीर सिंह भी ब्लैक कलर के खूबसूरत अटायर में नजर आए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान बार बार अपनी पत्नी दीपिका को देखे जा रहे थे रणवीर। उन दोनों का ये खूबसूरत सा अंदाज बेहद ही ज्यादा पसंद किया गया। वहीं शादी के बाद ये उनका पहला रिसेप्शन रहा, तो वहीं खबरें ये हैं कि 28 नवंबर को दोनों की शादी का दूसरा रिसेप्शन होने वाला है। अब हर कोई एक बार फिर से इन दोनों को देखना चाहता है रिसेप्शन के दौरान, यानी
कहानी, जहां इन दोनों ने बैंगलोर में अपने परिवार वालों और अपने कुछ करीबियों को दी है शादी की ये पार्टी। तो वहीं खबरें ये हैं कि 28 नवंबर को ये दोनों अपने बी टाउन स्टार्स के लिए, बी टाउन के दोस्तों के लिए एक बड़ा सा रिसेप्शन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसका फैंस को हो चला है बेसब्री से इंतजार। वेल, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।